गाने में करा दो हमके हिट हो। अब न होता हमारा से इंतजार, अब न होता हमारा से इंतजार। ए हो मनीष पत्रकार करबता हम करावाई लागत, ए हो मनीष पत्रकार करबता हम करावाई लागत। कौन सीताराम वाला गाना सुनता है? सीताराम गांव क्या कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। और मार्केट में जितना विवाद वाला गाना होता है, जितना अश्लील होता है, उतने लोग सुनते हैं। आप व्यू के लिए कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी हद से गुजर सकती हैं। कुछ भी कैसे कर लूंगी? इसका मतलब ये थोड़ा है कि रोड पे कपड़ा उतार के चलूंगी। इसका मतलब ये थोड़ा है ना, आप थोड़ा जस्ट से ज्यादा बात कर रहे हैं। भातार शब्द कोई गलत शब्द नहीं है। ये सबसे पहला फिर करवाने वाला कौन सी गलत शब्द है ये बताइए। कौन सा चुतिया था जो गाना आपका लिखा था? राइटर कौन था ये बताइए हमको। राइटर कोई है? घर के लोग सुने कि नहीं पहले बताइए। देखिए इसमें ना मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी पर्सनल मैटर है, इसमें घर वाले को लोगों को मत लाइए। आपके घर वाले के बारे में बोले तो आपको दर्द हो रहा है, आपको दुख लग रहा है, और जो दूसरे किसी के घर वाले गाना सुनकर बिगड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं आप ही लोग। सुनिए नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुशवाहा, आप लोग देख रहे हैं जनता की आवाज बिहार न्यूज। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है मनीष कश्यप के ऊपर, बहुत ही सारा सिंगर, बहुत ही ज्यादा सिंगर आजकल मनीष भैया के ऊपर एक से एक गाना लोग गा रहे हैं। इसी के बीच एक और नया सिंगर आई है जिनका नाम है रेखा गुप्ता, वो मनीष कश्यप के ऊपर इतना गंदा गाना गा दिए कि आप लोग सब क्या बताएं। हमको जहां तक मालूम चला है, खबर मिला है कि हमको सूत्र से खबर मिला है कि इसी स्टूडियो से वो गाना गाई है। यहाँ पे हमको मालूम चला कि यहाँ पे रेखा गुप्ता शायद आई है। चलिए स्टूडियो को अंदर चलते हैं, मालूम करते हैं कि रेखा गुप्ता यहाँ पे है कि नहीं। और मनीष से ऊपर बहुत गंदा गाना गाइए, चलते हैं उनसे, अगर मुलाकात होगा तो उनसे बात करते हैं कैसे गाइए। देखते हैं यही स्टूडियो है, चलिए हम आ रहे हैं अंदर। सर 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 एक मिनट रुकिए, थोड़ा एक मिनट बंद कीजिए। तो बोलिए ये बताइए, रेखा गुप्ता के यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रहा है, रेखा गुप्ता कहाँ उनसे हमको मिलना था? डमेरू में रिकॉर्डिंग हो रहा है। आज यमुना किधर है? उधर उस साइड से। और रास्ता किधर से जाना पड़ेगा? बाहर से गेट खुलिएगा ना। अच्छा, तो अंदर थोड़ा देर के लिए अपना रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, उनसे कुछ जरूरी बात करना है। ठीक है ठीक है, चलिए कैमरा में थोड़ा इधर चलिए चलिए, इसको खोलिए तो थोड़ा। अब मीडिया से, मीडिया से नाम रेखा गुप्ता, नाम किसका है? मेरा है। अच्छा, आपके नाम रेखा गुप्ता है जी। आप मनीष कश्यप ऊपर एक बहुत ही गंदा गाना गाई है। क्या गंदा है? आप गाना गाई है कि नहीं पहले? हाँ मैं गाई हूँ, लेकिन इसमें गंदा क्या है? अभी यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए पहले। मैं स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आपको दिख नहीं रहा है? रिकॉर्डिंग कर रही है, थोड़ा निकालिए तो बंद कीजिए रिकॉर्डिंग, पहले से बात कीजिए। आप मनीष कश्यप ऊपर गाना गाई है, आप बोले क्यों? तो गाए इसमें क्या दिक्कत है? पहले बात कीजिए ना, बात करना है पहले, रिकॉर्डिंग अपना बंद कीजिए। हां इसका सब ऊपर एक गाना गाई है। हाँ गाए हैं, उसमें क्या दिक्कत है आपको? बहुत दिक्कत है, बहुत गलत गाना है। ठीक है, उस गाने को सबसे पहले गुना के दर्शकों को सुनाइए गाना कैसा है। आप जब आप सुने तो आपको पता होना चाहिए ना कि गाना कैसा है। हमको गलत गाना लग रहा है ना, हमको बहुत गलत लग रहा है। आपको गलत लग रहा है? नहीं गलत गाना, और इतना सारा गाना गाई हूं तो वो आपको अच्छा नहीं लगा? हां अच्छा, आप गलत गाना गाती हैं तो अच्छा कैसे लगता है आदमी को? गलत गाई है जैसे मनीष कश्यप पत्रकार है, जो बिहार के सन अब कहे जाते हैं, उनके ऊपर आप गंदा गाना गाई है, हमसे जवान लड़ा रही हैं। उनके ऊपर मैं ही नहीं गाई हूं, और मैं आपसे जवान नहीं लड़ा रही हूं। ठीक है, आप मेरे काम को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? सवाल हम बाद में करेंगे, सबसे पहला सवाल मेरा है कि आप गानों को गुनगुनाओ, दर्शकों को सुनाइए गाना आपका कैसा है। ठीक है ना, सवाल करते हैं। ऊपर से नीचे ले बानी हम फिट हो, ऊपर से नीचे ले बानी हम फिट हो, एही लगान में करा दो हमके हिट हो, एही लगान में करा दो हमके हिट हो। अब न होता हमारा से इंतजार, अब न होता हमारा से इंतजार। ए हो मनीष पत्रकार करबता हम करावाई लागत, ए हो मनीष पत्रकार करबता हम करावाई लागत। इसमें क्या गंदा है? अच्छा आप बता रही है कि गाना खोर गंदा नहीं है, आपको किस एंगल से अच्छा दिख रहा है हमको? पहले हमको तो हर तरीके से अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तभी तो गाएं, बुरा लगता तो थोड़ा ना। थोड़ा और हमको बताइएगा किस एंगल से आप बोल रहे हैं कि मनीष पत्रकार क्या क्या करवाइएगा, तुम करवाए में लगातार किया के, ये सब क्या गाना का बोल है? कैसा गाना, क्या करवाने की बात हो रही है? यहाँ रिपोर्टिंग करवाने की बात किया जा रहा है, इंटरव्यू करवाने की बात किया जा रहा है, कुछ और करवाने की बात नहीं किया जा रहा है। जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। अच्छा तो कैसे कैसे वैसा कुछ नहीं? तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि मैंने तो इस गाना का थीम यही समझ के गाई हूँ ना कि रिपोर्टिंग करिएगा तो करवाएंगे लगातार, इंटरव्यू करिएगा लगातार तो करवाऊंगी लगातार, दूसरा कुछ और कुछ नहीं है इसका अर्थ। आप लोग जिस समय गाना गाते हैं उस समय आप गाना का अर्थ क्यों नहीं बताते हैं कि बाद में आने मीडिया आता है तो बताते हैं आप लोग कैसा अर्थ है? जब सब कुछ पहले ही बता देंगे तो पब्लिक क्या सुनेगा? अच्छा पब्लिक क्या सुनेगा? आपको नहीं लगता आपके जैसे लड़कियां पूरा बिहार को बदनाम करने पर लग गई? अच्छा, एक पूजा पांडे थी, काजल दाची, ऐसे ऐसे करके हजारों, हमें लगता है कम से कम 10-12 लड़कियां जो पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण आई आजकल, अब मनीष भैया को एकदम बदनाम करने पर उतर गई। ये भी है देखिए, मेरे सामने जो लड़की खड़ी है ये भी है, जो रेखा गुप्ता ये भी मनीष को सबको बदनाम करने पर लगी हुई है। अच्छा गलत है, ठीक है, हम लोग कोई मकसद नहीं है कि मनीष पत्रकार जी को या मनीष कश्यप जी को या मनीष भैया आपका जो भी है, भैया बोल रही है उनसे बोले करवाइएगा तो करवाएंगे। कुछ और करवाने की बात नहीं हो रही है, क्या करवाने का क्या करने का बात कर रहे हैं हम तो बताने में, जो दर्शक पब्लिक गलत सोचते हैं, इसका मेरी क्या गलती है? पब्लिक तो कोई
कोई भी अच्छा चीज को कोई भी गलत समझता है, अच्छा हो फिर भी गलत और गलत हो फिर भी गलत। हमें तो लग रहा है कि जो ऐसे वो आई थी पूजा पांडे थी या एक क्या काजल राज ऐसे करके बहुत सारे सिंगर मनीष सब के ऊपर गाना गाए थे, उन्हीं को देखकर आप भी गाना गाइए कि हम भी फेमस हो जाएंगे। फेमस होने अच्छा। वो तो हर सिंगर चाहता है कि मैं फेमस हूँ, मैं मार्केट में मेरा नाम हो, हम भी लोगों को हिसाब से जाना जाए। तो आप लोग गलत गाना गाकर फेमस हो किए गाना, यही ना बात है। गलत गाना है ही नहीं। आप गाना क्यों किस लिए गाए, इसीलिए ना गाए कि हम फेमस हो जाए। सब कोई तो उसी लिए गाता है ना, कौन घर में निकले थोड़ी कोई गाता, सब कोई तो चाहता कि हम फेमस बने। इतना विवादी गाना आप लोग क्यों गाते हैं पहले? इसमें कोई विवाद ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहती है, पहले बताइए हमको। हाँ हमेशा रहती हूँ। आपको मालूम है होगा, जरूर आपको मालूम होगा कि सोशल मीडिया पे कितना विवाद चला है। सुनिए, इतने सारे सिंगर गाते हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मैं गाई तो दिक्कत है। और इसके पहले मैंने इतने अच्छे अच्छे गाना गाई तो उस समय आप नहीं सुने कि रेखा गुप्ता कौन है, उस समय नहीं आप पूछने के लिए आपने इतने अच्छे गाना गाई तो इसका इंटरव्यू आप तो लेने कभी नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है, हम मीडिया से हैं, ठीक है ना। हम लोग का अच्छा चीज बुरा चीज गलत चीज हर चीज दिखाना हम लोग काम है। जहाँ पे हम लोग जैसे दिखेगा वहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं, ठीक है। बुरा चीज के लिए जल्दी पहुँच जाइएगा, अच्छे चीज के लिए घर में नुकाए रहिएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, देखिए ऐसा कोई बात नहीं। आप हमको इन्फॉर्मेशन दी थी क्या कि आइए मेरे पास इतना अच्छे गाना गाई थी, आइए इंटरव्यू। क्या मैं इन्फॉर्मेशन क्यों दी? मैं भी तो ये भी गाना गाई हूं, तो मैं तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि हां मैं मनीष पत्रकार के ऊपर मैं गाना गाई हूं, आप आके मेरा इंटरव्यू लीजिए। अरे दर्शक जो हमको बताया कि आपके पास जाया जाए इंटरव्यू के लिए, आप इतना इतना गंदा गाना आप कैसे गाइए? लड़की हो को लड़की को बदनाम करने पर वही ना कह रहा है। और इतने अच्छा अच्छा गाना गाया तो उसमें दर्शक के मुंह में जवाब नहीं था, दर्शक के मुंह में कमेंट नहीं था कि हां कोई रेखा गुप्ता कोई इतने अच्छा गाना गाया जाकर उसका इंटरव्यू लीजिए या मार्केट में उसका नाम को चर्चा किया जाए। और आज मैंने गाना गा दी तो आप लोग का पूरा चर्चा होने लगा कि हाँ रेखा गुप्ता कौन है कि जो ऐसा गाना अश्लील गाना क्यों गाई है? क्या सुप्रूफ है कि वो अश्लील है? अच्छा ये बताइए आप ये गाना सुने कि नहीं पहले बताइए। देखिए इसमें ना मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी पर्सनल मैटर है, इसमें घर वाले को लोगों को मत लाइए। आपके घर वाले के बारे में बोले तो आपको दर्द हो रहा है, आपको दुख लग रहा है, और जो दूसरे किसी के घर वाले गाना सुनकर बिगड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं आप ही लोग के वजह से। सुनिए हमारे गाना सुनकर कोई बिगड़ता नहीं है, पब्लिक को आजकल के रूप में वही पसंद है, ठीक है। कि कोई अश्लील गाना गाता है तो लोग ज्यादा सुनता है, जैसे कि मैंने ये गाना गाई हूं तो उसका इतना अच्छा व्यू गया है, इसका इतना। और एक चैनल पे आप व्यू के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हद से गुजर सकती है, कुछ भी कैसे कर लूंगी? इसका मतलब ये थोड़ा है कि रोड पे कपड़े उतार के चलूंगी, इसका मतलब ये थोड़ा है ना। आप थोड़ा जल्द से ज्यादा बात कर रहे हैं, अच्छा से कंट्रोल से बात करें, ठीक है ना, कंट्रोल से बात करें। आप लोग काम है ऐसे कि कंट्रोल से कोई कुछ भी कैसे कर लूंगी? तानिया जा है, इतनी सारी सिंगर है, इतनी सारी एक्ट्रेस है, तो वो इतना इतना अश्लील गाना गाएगी? अश्लील उन्हीं को लेकर, उन्हीं को देखकर आप लोग सीख रही हैं जो नए कलाकार इस सबसे पहले कितने से गायकी लाइन में, ये बताइए हमको। मैंने इस लाइन में 3 साल हो गया, 3 साल में बताइए आज तो कोई गाना मेरा वायरल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो उस समय तो आप लोग को ध्यान नहीं रहता है कि हाँ कोई रेखा गुप्ता है उसको सुने, उसका इंटरव्यू ले, कमेंट लोग क्या अच्छा कर रहा है क्या बुरा कर रहा है थोड़ा उसको देखे। और एक गाना नहीं गाए और उस पर आप लोग विवाद फैलाने लग रहे, क्या बात है? मनीष भैया को लेकर क्यों गाना गाई? और सारे बहुत सारे लोग हैं उनके ऊपर गाना गा सकते थे, अब गाइएगा तो किसी को नाम रखकर गाना क्यों गाइएगा? अब किसी को नाम रखकर गाना क्यों? हमको कोई शौक नहीं लगा था गाने के लिए, ठीक है, सब कोई गाया तो हम भी गा दिए। ये बताइए कौन साला चुतिया था जो गाना आपका लिखा था, राइटर कौन था ये बताइए हमको। राइटर कोई है? हाँ। राइटर का नाम इसमें नहीं रखा गया है, वो अच्छा। लोग दूसरे नाम रख दिया, मनी मनिया का नाम रखा गया अच्छा। और मेरे को ये भी नहीं पता है कि मनी मनिया है कौन। अच्छा आप गाना जिस समय गाने गई रिकॉर्डिंग आपका गाना हो रहा था उस समय, इससे पहले आप गाना को सुनी थी कि नहीं? पहले सुनी थी कि नहीं गाना ये बताइए। हाँ मैंने, मेरे को अचानक पता चला कि कोई एक पूजा नाम की सिंगर है, पूजा पांडे अच्छा, हाँ। जो कि मार्केट में उसका कोई नाम चर्चा नहीं था, हम भी सुने भाई पूजा हाँ। पांडे कौन है हाँ। और एक बैग सुने कि हाँ। मनीष के बनाल भतार, तो मैं भी सोची तो हम भी मजाक में सबको बोला तुम अच्छा, भतार बनवा रही थी रलवाने के लिए रेडी हो गई। सुनिए ना मनीष का सब खुद बोलता है कि कौन हमसे फरियाएगा हाँ। रेल देंगे ये करेंगे वो करेंगे, तो रेलने का मतलब ये नहीं कि गलत हुआ, रेलने का मतलब ये होता है कि लड़ना, आप हमसे लड़िएगा हम आपसे लड़ेंगे, बात बराबर, इसमें गलत कौन क्या है? तो आप लोग पत्रकार को बदनाम करने पे क्यों लगी है पहले बताइए हमको। देखिए हाँ। मेरा ना कोई मकसद है हाँ। ना मेरी कोई चाहत है हाँ। कि मैं उनको बदनाम करूं हाँ। या मैं उनको कोई भी तरीका से उनको मार्केट में कुछ भी। मनीष जी खुद बोले हैं कि अगर मेरा नाम लेकर अगर कोई सिंगर गा लेती है, अगर वो मार्केट में हिट है, उसका किस्मत बन जाता है, तो हमको से कोई आपत्ति नहीं है। मैंने इस चीज को सुना रिपोर्ट में, तो फिर भी मैंने भी गाया। अच्छा वो बोल दिए कि मेरे नाम लेकर कोई किसी के घर परिवार चल रहा है तो कोई चले, हमको दिक्कत नहीं। पांडे जब ये गाना गाई थी तो मनीष जी खुद बोलने वाले हैं कि अगर मेरा नाम लेकर कोई सिंगर अगर हिट हो जा रहा है तो हमको उससे खुशी की बात है। मान लीजिए वो भोजपुरी जो हम लोग का भोजपुरी जो समाज, उसमें भतार शब्द का उतना माने नहीं रखता है, भतार शब्द कोई गलत शब्द नहीं है। ये सबसे पहले फिर करवाने वाला कौन सी गलत शब्द है? जो लड़की वो है, जो लड़की पूजा पांडे वो गाना भी गाई थी, तो मान लीजिए वो बहुत गरीब परिवार से आती है, उसके फादर नहीं है, उसके घर की बहुत दैनिक स्थिति है, वो भी गरीब है, तो मैं भी गरीब हूँ, मैं कोई राजा दरबार की बेटी नहीं हूँ अच्छा। ठीक है, और मेरा भी मकसद है कि हम एक गायकर बने और एक
अच्छे तरीके से मार्केट में फेमस हो। पूजा पांडे के घर वाले जो भी हैं वो सब लोग आए थे लाही पाकर, चाहे जैसे भी आकर माफी मांगे कि गलती से मेरी बेटी ऐसा शब्द छोटा था गलती शब्द गा दिया, इसके बाद ऐसे नहीं गाएगी। आप लोग तो एकदम उसको देख कर एकदम नहीं स्टार्ट वही की थी ना, तब माफी वो मांगेगी नहीं, लेकिन हम लोग तो स्टार्ट नहीं किए, स्टार्ट शुरुआत तो वही की। तुमने सारे लोग सारे सिंगर सारे लड़के लोग लड़की लोग सारे सारे सिंगर लोग आए। इससे पहले भी आप कोई गाना गाई है पहले बताइए। इससे पहले मेरा बहुत सारा गाना है। अच्छा कोई गाना आपको याद है क्या ये बताइए। हमको याद है लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं आपको बताने के लिए। ठीक है ना, आप यूट्यूब पे जाकर रेखा गुप्ता सर्च मार के सुन लीजिएगा होली का सारा सॉन्ग। अच्छा होली का सारा सॉन्ग। आइए बताइए कि मनीष कश्यप को बदनाम करने के लिए कहीं से आप लोगों को पैसा मिला है क्या, कि इतना सारे जो जो भी कलाकार हैं। मनीष कोई हम लोग को घूस नहीं दिया है। ठीक है बदनाम कर रही है ना आप लोग उनको बदनाम करने, फिर हम लोग उनको क्यों बदनाम करेंगे। हमारी इसमें कोई इच्छा नहीं है कि मैं उनको बदनाम करूं। ठीक है अब आप जाइए, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए, हमको रिकॉर्ड करना है। समय बर्बाद कर रहे हैं आपको तो एकदम समय बर्बाद कर रहे हैं। गाना गाए थे उस समय नहीं सोचे थे कि इतना गाना विवाद में जाएगा, मेरे पास हजारों का मीडिया आएगा तो जो भी लोग आएंगे तो हम कहां सवाल का जवाब देंगे क्या करेंगे। आपका डायरेक्टर कौन था आपका राइटर कौन था उसके बारे में तो हमको बता दिए, उसके पास पहुंचते तो वहां पे क्लास करते उसको इतना रिलाई करता ना कि इसके बाद ऐसा गाना। अच्छा ठीक है आप जाइए पता लगा लीजिएगा, आपको अगर मिल जाएंगे तो जाकर लीजिएगा जाइए। तो ऐसा सा गाना आप लोग गाइएगा तो ऐसा ही नहीं होगा भाई, आप लोग समाज को बदनाम करने पे एकदम लग गए हैं लोग। कम से कम सोचिए थोड़ा दिमाग में सोचिए, और दूसरा गलती करेगा तो आप भी गलती कीजिएगा का। देखिए मैं इसमें मेरे ही पूजा पांडे का नाम लेंगे, पूजा पांडे गाई है उसके जैसे तो बहुत सारे कलाकार गाई है, पूजा गुप्ता गाई है, पूजा सिंह गाई है, और सारी बहुत सारी सिंगर है, मैं कितने लोगों का नाम रखूं आपको। उनको देखकर आप लोग सीखिए तो मार्केट में कोई किसी को देखेगा तो सीखता है ना। बताइए उनको देखकर आप सीखिए, आज आप गलत कर रही है तो आप ही को भी देखकर कोई सीखेगा ना। सबसे पहले बताइए मार्केट में जरा पूछिए कि कौन सारे लोग अच्छे हैं और कौन अच्छे गाना सुनते हैं। हाँ। कौन सीताराम वाला गाना सुनता है। अच्छा। सीताराम गाँव क्या कोई सुनेगा। हाँ। कोई नहीं सुनेगा। और मार्केट में जितना विवाद वाला गाना होता है जितना अश्लील होता है उतने लोग सुनते हैं। आपको मालूम होना चाहिए ठीक है ना, आप लेडीज हैं इसीलिए आपको बहुत सम्मान कर रहे हैं, अच्छा से इसी तरह से अच्छा से खड़ा होकर बात करना है। इससे पहले मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं जनता की आवाज बिहार, मेरा जो चैनल है उस पर बहुत सारे सिंगर को इतना ज्यादा अच्छा तरह से क्या क्या किए कि आपको हम क्या बताएं। लेडीज को हम सम्मान करते हैं इसीलिए अच्छा से आपसे बात कर रहे हैं। नहीं तो मनीष कश्यप को आप लोग बदनाम मत कीजिए, सबसे पहला बात मेरा नाम उनको कभी भी रखकर इसके बाद आप गाना मत गाइएगा ठीक है ना। अगर आपको लगता है अगर ऐसा मैं आपके नजर में अगर गलत है तो इसके लिए मैं सॉरी माफी मांग रही हूँ। हाँ। कि ऐसा नहीं होगा ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से गलत गाना नहीं है। गलत नहीं है नहीं। आपके हिसाब से गलत गाना नहीं है। जो भी दर्शक देख रहे हैं इनका इंटरव्यू देख रहे हैं इनका गाना अगर सुने होंगे आप ही लोग कमेंट में जाकर बताइएगा कि गाना गलत है कि अच्छा है। अभी मेरे साथ रेखा गुप्ता मौजूद थी, रेखा गुप्ता के साथ मेरा प्रयास कैसा लगा। जय हिंद।